हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है नकुल सागर। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू बिकम अ फेमस ऑन यूट्यूब। अब जो पहला पॉइंट हमारा आया वो ये कि किस टाइप की वीडियो बनाई जाए। पहली बात, हमारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर छुपा होता है। हमें बस जानना होता है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ है जो हम यूट्यूब के थ्रू शेयर कर सकते हैं। हमने वो जाना, हमने देखा, जैसे सपोज मेरे अंदर एक टैलेंट है कि मैं अपने आप से बहुत अच्छे तरीके से बातें कर लेता हूँ। मैं इवन कैमरे के सामने इतना ज़्यादा शाय फील नहीं करता। मैं पब्लिकली व्लॉग कर सकता हूँ, ये मेरा टैलेंट है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी बार किया हुआ है, तो मैंने इसको शेयर करने सोचा। मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर करूँगा, ये मेरा टैलेंट है और मैं अपने टैलेंट को अपने काम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको सोचना है कि आपका कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको आप यूट्यूब के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो हमें सेकंड पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि कंटेंट कैसा हो। हमें फेमस जो है ये तो बहुत बाद में आता है। फेमस के लिए उससे पहले हमें होना चाहिए कि जो हमारे वीडियो कंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर कैसे, कि हमें जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो हम समझाना चाह रहे हैं, इवन जो मेरा टैलेंट है वो बिल्कुल ही मतलब साफ तरीके से आप लोगों तक पहुँचे। अब सपोज़ मैं व्लॉगर हूँ। अब मैंने जो टॉपिक लिया वो है हाउ टू बिकम अ फेमस। अब फेमस कैसे बना जाए, इसके लिए अगर मैं डायरेक्ट आपसे ये बोलूं कि हाँ फेमस बनने के लिए आपको ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, बस कॉन्फिडेंस रखो आपका हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कंटेंट अच्छा है तो आपकी वीडियो को लोग देखेंगे, उसको उससे इंस्पायर होंगे, उसको शेयर करेंगे। जितनी ज़्यादा वीडियो अट्रैक्टिव होती है उतने लोग शेयर करते हैं, जिससे एंटरटेनमेंट होता है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि हमारा वीडियो अपलोड करने का, कुछ चीज़ को शेयर करने का एक टाइम होना चाहिए। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, हम सपोज ऑफिस गए, सुबह 9 बजे गए और शाम को 6 बजे घर आते हैं, ठीक है, ये हमारा टाइम है कि हमें सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और उसके बाद शाम को 5 बजे हमें छुट्टी होती है, उसके बाद हम गए। मतलब 10 बजे से लेकर 5 बजे का जो टाइम होगा वो आपको वर्क का टाइम होगा। ऐसे ही आप अपने एक वीडियो का अपलोड करने का टाइम बनाइए, शूट करने का टाइम बनाइए, फिर उसको अपलोड करने का टाइम बनाइए, क्योंकि ये भी आपके एक वर्क का पार्ट होता है। अब अगर आप रेगुलर होंगे, अगर सपोज मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं उसमें रेगुलर हूँ, सपोज जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते टाइम मैं अगर रेगुलरली क्लास लेता हूँ तो इसका मतलब मैं रेगुलरली कुछ चीज़ सीख रहा हूँ। मैंने अपना काम पूरा किया, मैं सीख रहा हूँ, मैं वहाँ खेल रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरा वर्क है, क्योंकि बचपन में हमारा वर्क यही होता है सीखना। अब मैं रेगुलरली सीख रहा हूँ तो इससे मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा, मैं दूसरे लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगा अच्छे तरीके से। अब ऐसे ही अगर हम रेगुलरली अपनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं ऑन यूट्यूब, तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, हमें सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगर हमारी वीडियोस डे टू डे, या फिर लगा लो जैसे हमने ट्यूसडे का टाइम लिया, हमें हर ट्यूसडे वीडियो डालनी है, तो हर ट्यूसडे वीडियो डालनी है, चाहे रीज़न कोई भी हो, मुझे ट्यूसडे को वीडियो अपलोड करनी है, मुझे ट्यूसडे को अपने ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाना है कि ये मेरा आज का काम है, मेरा ट्यूसडे, मैंने पूरे हफ्ते ये काम किया, ये रहा आपके सामने। अब ट्यूसडे किस टाइम, चाहे ट्यूसडे आपने एक दिन चूज़ कर लिया, ट्यूसडे थोड़ा लेट हो सकता है वो चलता है, आपने कोई टाइम तो बनाया, आपका एक टाइम टेबल है कि हम इस टाइम टेबल में अपलोड करेंगे, ये आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अगर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो आप फेमस होने लगोगे। अब आप फेमस कैसे हो रहे हो, आप फेमस हो रहे हो क्योंकि आपको लोग जान रहे हैं, आप अपना टैलेंट शेयर कर रहे हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, आप रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तीनों चीज़ ऑसम है, तो आप फेमस बनोगे, क्यों नहीं बनोगे। कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। मैं बताता हूँ, अगर आप कोई शॉर्टकट लेते हो, सपोज़ आपको बाय रोड कहीं से जाना है, आप बाइक चला रहे हो और आपको रोड से कहीं जाना है, अब आपने वो रोड सीधा है, सपोज़ एक रोड ऐसे करके यूं जाके ऐसे आ रहा है, अब आप यहाँ पर हो, आपको इस पॉइंट तक पहुँचना है, बीच में एक पार्क है, अब आपकी बाइक अगर आप पार्क के अंदर लेके जाओगे तो नुकसान आपका होगा ना, क्यों, क्योंकि उस पार्क के अंदर जाने के लिए ही जगह नहीं मिलेगी, जिसके वजह से आप बाइक को लिटाओगे, इसमें नुकसान आपका होता है। शॉर्टकट से हमेशा नुकसान ही मिलता है और वो बात नहीं बनती। अगर आपको लगता है कोई शॉर्टकट है फेमस होने का, कुछ पैसे कमाने का, तो आप बहुत गलत जगह आए हो। यूट्यूब पे कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोचते हो कि बीबी की मैं इसका, आप रातों रात अमीर बन जाओगे, फेमस हो जाओगे,
तो ये सिर्फ 100 में से 1% लोगों के साथ होता है कि वो रातों रात फेमस बन गए। रातों रात फेमस बनना हर किसी के बस की नहीं है और ये एक लक होता है। हमारे अंदर कोई टैलेंट है और वो टैलेंट हमारे टाइमिंग के साथ मैच हो रहा है, हमारे बिल्कुल परफेक्ट टाइम के साथ हमने वो वीडियो अपलोड कर दी, जैसे कि भुवन बाम ने करी थी, अपनी वीडियो अपलोड करी उसने और उसका अपना टैलेंट शो किया, लोगों को वो इतना पसंद आया, उन्होंने शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो पहुँचा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उनको पसंद किया, इसलिए वो आज के टाइम पे इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर हैं। इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, उन्होंने भी कोई शॉर्टकट नहीं मारा, उन्होंने सिर्फ अपनी रेगुलरली अपनी वीडियोस अपलोड करी। उनको नहीं पता था ये रातों रात वो फेमस हो जाएंगे कि उनकी कोई एक वीडियो इतना धमाल मचा देगी। उनकी एक नहीं, उनकी सारी वीडियोस धमाल मचाती है। मेरे हिसाब से, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे पता है कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपनी तीन चीज, आप अपना टैलेंट शो कर रहे हो, आपका कंटेंट अच्छा और आप रेगुलर हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप फेमस बन जाओगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद आपका भी टाइम आएगा और उस टाइम का वेट कीजिए। कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो निराश होने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल सेफ फील नहीं करते। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि बस यही सब कुछ था, वो हो गया और इसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें वेट करना है। हमारा अगर बुरा टाइम आ रहा है तो उसके बाद अच्छा टाइम भी आएगा। माना मैं टॉपिक से अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। मैंने इवन अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि किसी एक लड़के ने आत्महत्या कर ली छोटी सी बात पर। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो, आपका पेरेंट्स से हो, चाहे आपको पढ़ाई से रिलेटेड हो, लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, ये कोई गेम नहीं है। आपको लगता है कि फेमस होने से ही ये कहते हैं आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, आप गलत हैं। हर किसी की लाइफ को जीने का उसका अपना तरीका होता है, हर किसी की लाइफ में अपना कुछ, कहते हैं ना भगवान ने क्या लिख के भेजा है वो आपको भी नहीं पता। आप अपना काम पूरा कीजिए, अपने काम पे पूरा पूरा फोकस रखिए। अगर आपको अपना काम पूरा फोकस है, आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, तो इसके बाद और कुछ नहीं बचता। आपका काम ही आपको आगे चल के पहचान देगा और कुछ नहीं। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और कमेंट करके बताइए कि मेरी जो बातें हैं वो आप तक कैसे पहुँचती हैं, आप उसको क्या पॉजिटिव लेते हो, क्या नेगेटिव लेते हो, चाहे कैसे भी लेते हो, मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि फीडबैक ही मुझे आगे इंकरेज करेगा और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगर मेरी ये वीडियो ख़राब है तो आप मुझे बताइए कि ख़राब है, ताकि मैं आगे चल के इसको और इम्प्रूवमेंट करूँ अपनी चीज़ को, क्योंकि यही चीज़ हमें फेमस करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम अपने काम को रेगुलरली अच्छे तरीके से करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, अब हर एक चीज़ बार बार, कहते हैं ना एक दाल रोज़ खाई जाए तो उससे बोर हो जाते हैं, ऐसे ही मैं भी हूँ। मैं भी आपको कुछ रोज़ एक ही चीज़ नहीं दिखाने वाला, रोज़ मेरा एक टॉपिक नहीं रहने वाला, रोज़ मेरा बैकग्राउंड ये नहीं होने वाला, रोज़ मैं अपने इस ड्रेस को नहीं पहनने वाला, हमेशा मैं इस दाढ़ी में नहीं रहने वाला और ये हेयर स्टाइल तो पक्का नहीं रखने वाला। तो आई होप आपको किसी न किसी रीज़न की वजह से ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके प्लीज़ बताइए मुझे कि आपको क्या फील हुआ इस वीडियो को देख के, आप थोड़ा सा इंस्पायर हुए या नहीं, मैं अपने काम में कामयाब हो पा रहा हूँ या नहीं। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी, तब तक के लिए नमस्ते।